कम ऑन आनिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कोई रोने वाली बात है भला? हाँ ऑफ कोर्स परेशान होंगी मैं, तो सोच सोच के उस वक्त से परेशान हो रही हूँ कि कितना हर्ट हुई होगी वो बेचारी। तो छोड़ो ना उसे, मतलब तुम उसके लिए अपने आप को इतना हर्ट क्यों कर रही हो? क्या मतलब उसके लिए? फर्स्ट कजन है वो मेरी, और इंसान हूं मैं, अम्मी ने ज्यादती की है उसके साथ, जाहिर सी बातें हर्ट होंगी। अच्छा चलो ठीक है, नो डाउट तुम्हारी बात बिल्कुल सही, लेकिन प्लीज यार छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना छोड़ दो, इट्स नॉट गुड टू बी सो सेंसिटिव। मेरे इख्तियार में नहीं है ये सब। अच्छा तो फिर अपने इख्तियारात किसी और को दे दो। क्या मतलब किसको दे दूं अपने इख्तियार में? मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, तुम भी सीरियस हो जाती हो। अच्छा प्लीज ये रोना शोना बंद करो, कसम से यार मुझे बहुत तकलीफ। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें कि क्या तकलीफ हो रही है, नींदें उड़ गई है ना तुम्हारी, नींद डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं, और जो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। हाय सच बताऊं, नींदें तो उड़ा चुके हो तुम बहुत साल पहले। लो भाई, एक तुम नए आ गए हो, अम्मी कम नहीं थी हर मसले का इल्जाम मेरे ऊपर डालने के लिए, अब तुम भी डाल दो। अच्छा सुनो एक बात बताओ, ये तुम्हें वाकई टेंशन मुंतहा की वजह से हो रही थी या फिर क्या? मतलब कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं तुम्हें इस बात का गम तो नहीं कि वो लोग तुम्हारे बजाय तुम्हारी कजन को पसंद कर गए? इमाद तुम ना मेरी सोच से भी ज्यादा चीप निकले, मैं ही पागल हूँ, प्रॉब्लम ना मुझ में है तुम में नहीं, जो हर छोटी छोटी बात बताने के लिए तुम्हारे पीछे भागती फिरती हूँ। मैंने अब तुम्हें कभी फोन नहीं करना वापस। इतना लड़ती हो इमाद से और फिर भी उसे कोई बात बताए बगैर तुम्हें सुकून नहीं आता। जाहिर सी बात है मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है आखिर को। हाँ तो बताओ ना अपने बेस्ट फ्रेंड को कि उसके बड़े भाई से मोहब्बत करती हो तुम, ये बात क्यों छुपा के रखी हुई है तुमने? मुझे शर्म आती है, और आपको पता है जिस दिन इमाद को पता चला ना कि मैंने इतना अरसा उसे ये बात छुपा के रखी थी, डायरेक्ट फांसी पे लटका देगा मुझे तो। नहीं लटकाएगा बल्कि बहुत खुश होगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है उसकी भाभी बन के घर आ रही है। अच्छा वैसे आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अभी तो फोन लगा हुआ कान से, डायरेक्ट आवाज जा रही है तुम्हारी कान में, बोलो। वेरी फनी। कभी भी ना मेरी और इमाद की दोस्ती के बीच में आने की कोशिश मत करिएगा। बल्कि आपको पता है मैं तो शादी के बाद आपकी सारी शिकायतें ना उसी से किया करूंगी, और देखिएगा मेरी ही साइड लेगा। अल्लाह तुम सब की मोहब्बत को इसी तरह से सलामत रखे। तुम्हारी आदत अच्छी लगती है मुझे कि तुम इमाद रूसा को बिल्कुल वैसे ट्रीट करती हो जैसे एमन को। आई लाइक इट। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या चल रहा है तुम्हारे और रोहित भाई के बीच में? क्या चल रहा है? पन्नो रानी, ज्यादा सियानी बनने की जरूरत नहीं है। ये कानों पे लालियां और होठों पे मुस्कुराहट, कोई तो बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। तुम्हें ज्यादा सियानी बनने की जरूरत नहीं है छोटी, चलो आके सो जाओ, मेरा नाइट सूट निकाल दो जल्दी से। हानिया,